तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं सात से विभाज्य है? ये प्रश्न क्लास 10 के मैथमेटिक्स से है और ये है अलजेब्रा से और खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं सात से विभाज्य है? ये जो है ये आप जानते हैं ये समांतर श्रेणी से है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे तीन अंकों की सभी संख्याएं, फिर उसमें देखेंगे कि सात से विभाज्य कौन कौन है। लिखेंगे यहाँ पे तीन, लिखेंगे हल लिखे हुए हैं, लिखिए तीन अंकों की सभी संख्याएं कौन कौन है? तीन अंकों की सभी संख्याएं, जैसे कि पहला है 100, पहला 100 है, दूसरा 101, तीसरा 102, इस तरह से है और लास्ट में है 999 तक ना। चलिए ये सभी संख्याएं हैं तीन अंकों की, ठीक है, ये तीन अंकों की सभी संख्याएं हैं। अब देखना है आपको कि पहला कौन संख्या है जो सात से विभाज्य है, फिर अंतिम कौन संख्या है जो सात से विभाज्य है। तो 100 तो नहीं है, 101 भी नहीं है, तो आगे बढ़िए, 102 भी नहीं है ना, सात से नहीं लग रहा है, तो हम देखें आगे 105 है। तो आप यहाँ पे लिखिए, पहला जान लीजिए कि पहला जो 105 है जो सात से विभाज्य है तीन अंकों की पहला, और अंतिम जो है जैसे कि 999 नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे तो चार अंक हो जाएगा, पीछे आना होगा, तो 999 नहीं है तो 994 के बारे में सोचिए, 994 जो है वो सात से विभाज्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे तीन अंकों की वे संख्याएं जो सात से विभाज्य हैं। चलिए देखिए कौन कौन है, पहला है 105, 105 में आप सात से लगाइए तो लग जाएगा, ठीक है 105 है। अब 105 से क्या कीजिए, आगे बढ़ना है तो आप इसमें जो है सात जोड़ते चलिए, 105 और सात तो कितना हो जाएगा 112 और सात तो 119 और सात तो 126, इस तरह से है बढ़ते जाएगा, और अंतिम लिख दीजिए, अंतिम जो है 999 नहीं है, ये है 994, इसमें सात से लगाइए तो लग जाएगा ना। तो यही वे संख्या है जो तीन अंक है और सात से विभाज्य है, तो ये समांतर श्रेणी पर आ गया। तो पहला पद यानी कि 105 जो है ए है, तो यहाँ पे लिखिए ए इक्वल टू 105, और डी कितना है, सात बढ़ रहा है ना, तो डी लिख दीजिए यानी कि पदांतर, डी इक्वल टू सात, और ये जो है ये 994 अंतिम संख्या है, ठीक है, तो यानी कि TN है, TN अंतिम संख्या, TN बराबर कितना है 994। ये N जो है टोटल संख्या है, आप मान भी सकते हैं, यहाँ पे लिख दे सकते हैं माना तीन अंकों की कुल संख्या N है जो सात से विभाज्य हैं, या आप मान भी सकते हैं या ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि N जो है अंतिम संख्या है। तो आप जानते हैं एक सूत्र होता है TN इक्वल टू, यानी कि अंतिम संख्या TN इक्वल टू क्या होता है, आप इसे शॉर्ट में लिखिए, टी छोटा लिखिए, TN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस वन इंटू डी, ये TN होता है, ठीक है, इसी पे बैठाइए या लिखिए या मान बैठाइए, यहाँ पर लिखिए TN कितना है 994 बराबर A हो गया 105, और यहाँ पे जोड़ लिखिए N ही लिखना है और 1 लिखिए और D की जगह आपको लिखना है 7। अब क्या कीजिए, या लिखिए या, अब ये देखिए प्लस में 105 तो इधर लाइए इसको माइनस में, लिखिए 994 माइनस 105 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7, ये गुना में है, ठीक है, अब इसमें से घटा लीजिए इसको, ये प्लस में था इधर आ गया माइनस में 105, ठीक है, तो ये चार में से पाँच नहीं जाएगा, इकाई में से इकाई घटाइए, दहाई में से दहाई और सैकड़ा में सैकड़ा, तो चार में से पाँच नहीं जाएगा, चौदह में से पाँच गया तो नौ बचेगा, ये बचा आठ ही बचेगा, जीरो है। अब ये कितना बचा, ये जो है इतना ही है चूँकि नहीं लिया है, नौ में से एक गया आठ, 889 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू सेवन। अब क्या कीजिए, ये सात जो है गुना में इधर ले आइए भाग में, या लिखिए या 889 बट्टा 7,
इक्वल टू एन माइनस वन। इसमें क्या कीजिए, इसको काटिए, इसको काटिएगा कट जाएगा, सात का सात बचा एक, एक पर आठ अठारह, तो सात दुना चौदह बचा चार, चार पर उनचास तो सत सत उनचास यानी कि 127। या लिखिए या 127 इक्वल टू एन माइनस वन। या लिखिए या क्या कीजिए, ये माइनस वन है ना, पक्षांतर कीजिएगा इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, लिखिए 127 प्लस वन इक्वल टू एन। या लिखिए या 127 और एक तो 128 इक्वल टू एन, तो ये आपका आंसर आ गया है, यानी कि एन इक्वल टू लिख दीजिए, इसीलिए एन इक्वल टू 128। और यही जो है कुल संख्या है 128 जो तीन अंकी है और ये सात से विभाज्य है।